रहिम अब बी एस सी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर सेवन रेक्टीलिनियर मोशन स्टार्ट किया हुआ है अब इसका हम एग्जाम्पल नंबर फाइव सॉल्व करेंगे अब फाइव एग्जाम्पल में है कि अ स्टोन इज लेट फॉल फ्रीली फ्रॉम अ हाइट ऑफ हंड्रेड फीट अब यहाँ पर जो स्टोन के बारे में बताया फ्रीली फ्राम अ हाइट फ्रीली फ्रीली के इसकी इनिशियल विलोसिटी जो है वो जीरो है यानी कि यहाँ से स्टोन जो है टोटल हाइट जो है वो हंड्रेड फीट है जहाँ से ये बॉल जो है वो फेंका गया है और फ्रीली है इसका मतलब है इसकी अनिशियल वेलोसिटी जीरो है फाइंड द टाइम दैट इट टेक्स एंड द वेलोसिटी दैट इट इक्वायर्स यानी यहाँ पर जो फाइनली टाइम है वो हमने बतानी है और उसने फाइनल वेलोसिटी कितनी अटेन की है वो बतानी है ऑन रीचिंग द ग्राउंड अब क्योंकि ये स्टोन uh, जो है मूव कर रहा है टूवर्ड्स द अर्थ सो एक्सेलरेशन इज जी यानी अब हमारे पास द गिवन डाटा डाटा हमें गिवन है कि एक्स हमारे पास है हंड्रेड फीट द इनिशियल वेलोसिटी इज ज़ीरो एक्सेलरेशन इज जी क्योंकि ये अब फीट में है तो g की वैल्यू भी वी हैव टू टेकन इन फीट तो दैट इज़ थर्टी टू फीट पर सेकेंड ये तो हमारे पास डाटा गिवन था हमने यहाँ फाइंड करना है वट इज़ द फाइनल वेलोसिटी एंड वट इज द टाइम टेकन नाउ अब हमारे पास जो है uh, हमने विलासिटी फाइंड करनी है और हमने टाइम फाइंड करना है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हुए सबसे पहले हम वेलोसिटी फाइंड कर लें तो वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू जी एक्स वी हमने फाइंड करनी है अनिशल वेलोसिटी जीरो है टू अब जी की वैल्यू थर्टी टू एंड एक्स तो इसको x की वैल्यू सॉरी 100 फीट है इसको जब यहां से हम कंप्लीट करते हैं सो फाइनली वी हैवॉसिटी इज 80 फीट पर सेकेंड अब हमने यहां से टाइम कैलकुलेट करना है तो अब हमारे पास वेलोसिटी भी है इनिशियल वेलोसिटी भी है सो वी इज इक्वल यू प्लस जी टी वी की वैल्यू एटी है यू की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो जी इज़ थर्टी टू एंड टाइम तो इसको जब हमने सिंपलीफाई किया फाइनली वी हैव टाइम इज़ फाइव बाय टू सेकेंड यानी ये हमारा रिक्वायर्ड टाइम है इतना टाइम उसने लिया है स्टोन को नीचे आने में और वेलोसिटी इज एटी फीट पर सेकेंड नाउ द एग्जाम्पल नंबर सिक्स एग्जाम्पल सिक्स है कि अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एट अ टी इज़ इक्वल जीरो विद यू यानी एक हमारे पास एक पार्टिकल है जो अपवर्ड फेंका गया है प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड अपवर्ड फेंका गया है और स्टार्ट में उसका टाइम जीरो था जाहिर है वो अपवर्ड फेंका जा रहा है तो उसको इनिशियल बिलासिटी दी गई है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है पास इज़ अ पॉइंट एट अ हाइट h यानी यहाँ हाइट h है ये हाइट h है यानी कह लें कि डिस्टेंस उसका जो है वो h है और ए टी इज इक्वल टी वन यानी हाइट ए तक जाने के लिए उसके पास टाइम जो यहाँ से यहाँ तक है वो टी वन है एन टी इज़ इक्वल टी टू अब ऑब्वियसली ये पार्टिकल दोबारा यहाँ से मूव होकर ये इस पॉइंट के पास से दोबारा गुजरता है और उस वक़्त टाइम जो है वो टी टू है तो हमने शो करना है कि टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू यू ओवर जी है एंड टी वन टी टू जो है दोनों टाइम्स का प्रोडक्ट जो है दैट इज इक्वल टू एच ओवर जी अब हमारे पास जो डेटा गिवन है डेटा में दिया हुआ है हाइट एक्स इज़ इक्ल एच टाइम एक दफ़ा टी वन है और सेम पॉइंट पे जब गुजरता है तो टी टू है और चूँकि ये अपवर्ड मूवमेंट है सो एक्सेलरेशन इज़ इक्वल माइनस जी अब हमने यहाँ से चूंकि टाइम t1 वन एंड टी कैलकुलेट करना है तो अब देखें कि यहाँ पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है अनिश अब यहाँ पर डाटा में हमारे पास एक्स है एक्सेलरेशन है और टाइम हमने फाइंड करना है t1 वन एंड टी और इनिशियल uh, वेलोसिटी उन्होंने दी हुई है u जिससे प्रोजेक्ट किया है तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है एक्स इज इक्वल यू टी माइनस हाफ जी टी स्केयर आ जाएगा तो यहाँ पर हम एक्स को एज पुट कर लें देन वी हैव एज इज इक्वल यू टी माइनस हाफ जी टी स्केयर और अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए देन वी हैव जी टी स्क् माइनस टू यू टी प्लस टू एच इज इक्वल जीरो अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है इन टर्म्स ऑफ टी तो लेट द टाइम टी वन एंड t2 where the particle is at a height h from the point of projection are the roots of the equation यानी कि यहाँ पर अब ये हमारे पास quadratic equation है in terms of t और इसके let's say t1 and t2 एंड टी टू है और एक जो हमारे पास क्वाडेटिक इक्वेशन होती है वो ए एक्स प्लस ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी और इसके जो रूट्स अल्फा एंड बीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है माइनस बी ओवर ए और जो प्रोडक्ट आ जाता है अल्फा बीटा वो होता है सी ओवर ए अब इसके रूट्स जो है अगर हम इन टर्म्स ऑफ टी है तो लेट्स उसके रूट्स जो हैं वो टी वन एंड टी टू है तो अब इसके सम ऑफ रूट्स यानी के रूट्स uh, uh, हमारे पास हमने टी वन प्लस टी टू दैट इज़ इक्वल माइनस ए ओवर बी यानी जो एक्स के साथ कोफिशेंट है वो यहाँ पर टी के साथ कोफिशंट जो है वो माइनस हमारे पास माइनस टू यू ओवर ए ए का मतलब है टी स्केयर के साथ कोफिशंट बी दैट इज इक्वल टू यू ओवर जी ये हमारे पास आ जाता है टी वन प्लस टी टू और अब हमने इसका प्रोडक्ट बताना है द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो ये आ जाएगा t1 वन एंड टी तो जो रूट्स का प्रोडक्ट है वो c ओवर a तो c की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है 2h एच ओवर ए ए में g आ जाएगा सो so, प्रोडक्ट हमारे पास t1 वन प्लस टी वन टी टू दैट इज इक्वल टू एच ओवर जी आ गया